देवास जिले के अंतिम छोर पर मां पुण्य सलीला रेवा के तट नेमावर में हुए जघन्य हत्याकांड के पीड़ित परिजनों को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देशन पर 25 लाख रुपए के चेक उनके निवास पर पहुंचवाकर पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा एवं अनुसूचित जाति जनजाति विधायकों ने सौंपे हैं। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, बाला बच्चन, विजय लक्ष्मी साधो सहित सभी विधायकों ने एक स्वर में पीड़ित परिजनों से कहा कि आखिरी दम तक कांग्रेस परिजनों के साथ खड़ी है। पीड़ित परिजनों से मिलने के पश्चात सारे विधायक पुलिस थाना नेमावर पहुंचे, जहां पर उन्होंने एडिशनल SP सूर्यकांत शर्मा से हत्याकांड से जुड़े बिंदुओं पर बिंदुवार चर्चा की। पुलिस थाना परिसर में ही सभी विधायकों ने खड़े होकर हाथ जोड़कर एक स्वर में कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यदि भांजियों का असली मामा है तो CBI जांच के लिए एक चिट्ठी लिख दे, और अपने कहा है कि प्रकरण की सच्चाई में महामहिम राज्यपाल को भी अवगत कराया जाएगा। इतना ही नहीं, विधानसभा में भी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाकर सरकार से सवाल भी पूछा जाएगा। देखिए, मैं आदरणीय सज्जन भाई की सहमत की बात से मैं सहमत हूँ। वो नरोत्तम मिश्रा जी को तो सत्ता का चश्मा चढ़ा हुआ, उनको बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जब तक ये 15 महीने तक सरकार में नहीं थे, तब हमने इनके चाल चलन और इनके चेहरे हमने देखे थे। अभी तो जबरदस्त उनको सत्ता का नशा चढ़ा हुआ है। देखिए, अभी तक मुख्यमंत्री का नहीं आना, गृह मंत्री जी का इस घटना में नहीं आना, प्रदेश की जनता और देश की जनता जानना चाह रही, इतना बड़ा नरसंहार हुआ है, न उनकी पार्टी के कोई लोग आ रहे हैं, 48 दिन तक FIR नहीं होना। पुलिस को सब सारी जानकारी थी, लेकिन पुलिस का शासन और प्रशासन का पूरा सिस्टम फेल्योर है। अरे भीड़, ये हमको देखिए, पूरी कांग्रेस और मध्य प्रदेश का अनुसूचित जाति जनजाति का आम भाई बहन, हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के विधायक आज सब यहाँ हैं, सारे लोग चिंतित हैं। हम यहाँ खड़े होकर आरोप लगा रहे हैं मुख्यमंत्री पे। मुख्यमंत्री भाई, तेरे पे हमको विश्वास नहीं है, तेरी पुलिस पे हमको विश्वास नहीं है। CBI जांच की मांग, यदि एक पीड़ित परिवार करता है इतना भयानकतम हत्याकांड मध्य प्रदेश की उस धरती पे जहां नर्मदा कल कल करके बहती है, जहां विद्यासागर जी जैन संत का तपोस्थली है, अहिंसा परम धर्म की बात होती है, वहाँ इतना जघन्य हत्याकांड हो गया, हमें न तुझ पे शिवराज भाई न तेरी पुलिस पे भरोसा है। तू यदि उन 3 अबोध बच्चियों का असली मामा है जिनके साथ गैंग रेप हुआ और हत्या हुई, तो ईश्वर की शपथ लेके एक पत्र लिख दे केंद्र सरकार को कि इस केस की जांच CBI से कराने के लिए मैं सहमत हूँ। दूसरी बात, नए राज्यपाल जी ने शपथ ले ली है, गुजरात के इसी वर्ग के आते, अनुसूचित जनजाति वर्ग के, आज अखबारों में बड़ा भारी छपा है कि उन्होंने शपथ लेते ही आदिवासी संग्रहालय की तरफ कदम बढ़ाए। वो बीते युग का इतिहास है, बीते युग की कहानी है। जो लोग जीवित हैं राज्यपाल जी, वो आदिवासी भाई बहन आज डरे हुए हैं। मेरा आपसे भी अनुरोध है कि मुख्यमंत्री पर दबाव डालिए, उन आदिवासी भाई बहनों को न्याय मिले, इसलिए CBI जांच के लिए मुख्यमंत्री पर आप दबाव डालिए कि तत्काल पत्र लिखे। आज 25 लाख रुपये कमलनाथ जी बोल के गए थे 3 दिन पहले, आज हम सारे विधायक चेक लेके आए, 25 लाख की राशि उस पीड़ित परिवार को दी है। शासन की राशि तो अभी तक आई नहीं है पूरी, हमने तो चूकी, ये राशि कोई मायने नहीं रखती, हमारा तो कहना सही जांच हो जाए। और मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ यार, 16 साल मुख्यमंत्री हो गए शिवराज भैया, यार अब तो इस प्रदेश के नब्ज पहचान ले यार भैया, है 10 फीट गड्ढे में अपराधियों को गाड़ दूंगा। अबे भांजी गड़ गई रे भैया, भांजे गड़ गए 10-12 फीट गड्ढे में, अब तो रहम कर ले इस प्रदेश में मेरे भाई। हम सारे विधायक आए हैं अनुसूचित जाति जनजाति, हमारे हाथ जोड़ गए, ये हाथ जोड़ लिए मैंने। वॉइस ऑफ राइट्स खातेगांव से प्रदीप साहू की रिपोर्ट।